केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी थी जिसका ट्रेलर लॉन्च होते ही पूरा इंडिया हिल जाता है। एक तरफ तो लोग इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं, दूसरी तरफ लोग इसे सच मानते हैं। हालांकि ऐसा क्या था इस मूवी में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक भाषण में इस मूवी का जिक्र किया। हालांकि इंडियन सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, एक पार्ट इसे प्रोपेगेंडा मान के कुछ स्टेट्स ने इस मूवी पर बैन लगा दिया, जैसे कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और केरला। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जिन्होंने इसे सच्चाई मान के टैक्स भी कर दिया इस मूवी को, जैसे कि उत्तर प्रदेश। लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा के साथ साथ सच्चाई भी मान रहे थे। ऐसा क्या था इस मूवी में कि पूरी इंडियन सोसाइटी बट चुकी थी? तो इस मूवी में सिंपली डिपिक्ट किया गया है केरला की रीसेंट सिचुएशन, जो वहाँ की लड़कियाँ इस टाइम फेस कर रही हैं। मैं इस पॉइंट को अपने पॉइंट से वैलिडेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन इंटरव्यूज और वीडियोस को देख के वैलिडेट कर रहा हूँ जो मैंने उन लड़कियों के देखे हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है और वो सामने आई इस मूवी के रिलीज होने के बाद, ताकि वो बता सके कि रियलिटी में उन्होंने क्या फेस किया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिस वीडियो में उन्होंने एग्जैक्टली बोला है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। मूवी के रिलीज होते ही इंडिया की लेफ्ट विंग और पीसफुल कम्युनिटी एक्टिवेट हो जाती है इस मूवी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसा क्या था इस मूवी में, वो तो हम आगे जाके इस बारे में बात करेंगे, बट एक और चीज इसमें नोटिस की गई कि केरला को ही क्यों पिक किया गया एज अ परफेक्ट लोकेशन एंड डेस्टिनेशन टू शो कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है कन्वर्जन के बारे में। अब उस चीज को समझने से पहले हम कुछ नंबर्स को समझ लेते हैं अच्छे से। 1951 के सेंसस के हिसाब से केरला में अप्रॉक्सीमेटली 61% हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, 20% क्रिश्चियनिटी को और 18% जो थे वो मुस्लिम को इस्लाम को फॉलो करते थे वहाँ की सोसाइटी के लोग। बट ये सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है 2011 के सेंसस में, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 43% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे और साथ ही साथ 15% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। और दूसरी तरफ एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसकी पॉपुलेशन आस्ता आस्ता बढ़ के 41% हो चुकी थी। अब इस बात को आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये गैप है, और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कम टाइम में इतना बड़ा गैप आ चुका है। और साथ ही साथ केरला की एक स्टेट है मल्लपुरम, यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ने हिंदूज की पॉपुलेशन को ओवरकम कर लिया, और ऐसा होने के बाद ही वहाँ पर मंदिर में जाना तो भाई काफिरों का काम हो गया, और जो बंदा वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है वो तो बेवकूफ है, क्योंकि वहाँ पर शरिया कानून लागू हो चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो केरला स्टोरी की सच्चाई क्या है, दूसरे नंबर पर अगर केरला स्टोरी एक सच्ची मूवी है तो इसके रियल लाइफ करेक्टर्स के नाम क्या है, और तीसरी चीज़ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि ऐसा कन्वर्जन ना हो हमारी लड़कियों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि द केरला स्टोरी की सच्चाई क्या है। केरला स्टोरी और कुछ नहीं बट एक डिपिक्शन है, एक कड़वी सच्चाई है हमारी सोसाइटी की, कैसे हमारी हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम, और साथ ही साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कैसे करके लव जिहाद अपना रोल प्ले करता है इस कन्वर्शन में। हमने लव जिहाद का नाम रिसेंटली काफ़ी केसेस में सुना होगा, चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हो जिसमें आफ्ताब ने उसके बॉडी के सैकड़ों टुकड़े करके फेंक दिए थे, ये लव जिहाद नहीं तो और क्या है। ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे काफ़ी केसेस है जो हमें रिसेंटली सुनने को मिले हैं, बट हमारी सोसाइटी में कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हम भाईचारे की बात करते हैं, ऐसा भाईचारा जिसमें हम फेस पे कुछ हो रहे हैं और पीठ पीछे उसी भाई को मारने की तैयारी चल रही होती है, तो आई गेस ऐसा भाईचारा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। और साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, बट मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे रहा, बट ऑन एन एवरेज 194 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को रोज इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सिनेरियो मैं सिर्फ आपको केरला का बता रहा हूँ, बाकी पूरे इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का काउंट करके नहीं, ये सिर्फ केरला का एक छोटा सा डिपिक्शन है। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट इन जिहादियों के लिए काफ़ी सिंपल है, सबसे पहले तो उस लड़की से मिलो, जान पहचान बढ़ाओ, उसे अपने प्यार में गिराओ, उसको प्रेग्नेंट करो या फिर किसी और तरह उसे कन्वर्जन की ओर लेके जाओ, और एट द एंड जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका एंड काफ़ी बुरा होता है, क्योंकि ISIS के कैंप्स में या तो ये सेक्स स्लेव बन के मर जाती हैं या तो इन्हें सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है, जो अपनी लाइफ से ज़्यादा परेशान हो गया होता है एज अ सेक्स स्लेव, तो ये सुसाइड बॉम्बर का काम कर देते हैं।
दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर केरला स्टोरी सच्चाई है तो इसके रियल लाइफ करेक्टर्स के नाम, रियल लाइफ करेक्टर्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। पहले नंबर पर तो अदा शर्मा ने जिस लड़की का रोल प्ले किया है उसका असली नाम है निमिषा संपत, जो एक्चुअली में केरला की रहने वाली है और वहाँ की एक बीडीएस स्टूडेंट थी। निमिषा जो है उसका एक भाई भी है जो एक्चुअली इंडियन आर्मी में है, उसकी माँ ने काफ़ी संघर्ष वगैरह किया है उसको बचाने के लिए, बट अभी तक वो सारी संघर्ष नाकामयाब रहा। वो एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है। एट द एंड अभी इस टाइम पे निमिषा संबत उर्फ फातिमा अफगानिस्तान की एक जेल में कैद है, ना वो अपनी फैमिली से मिल पा रही है ना वो उसे अपने बच्चे का पता है। और दूसरा करेक्टर इस मूवी का जो मेन करेक्टर था उसका नाम था अतुल, जो निमिषा का रियल लाइफ बॉयफ्रेंड था, बट उसका रियल लाइफ में नाम है साजिद रहमान, जो असली में एक मेडिकल स्टूडेंट था जिपमर मेडिकल कॉलेज केरला का। अभी इस टाइम पे साजिद रहमान का एक रेस्टोरेंट है केरला के अंदर ही और वो फ्रीली मूव कर रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, भाई उसके साथ हुआ है तो हम क्या करें उसमें, तो ऐसे बोल के ही हमारे इंडियन लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट ये नहीं देखते कि एक्चुअली में वो क्या रहा है, किसी के साथ हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और इस मूवी के जो तीसरा करेक्टर था ना मरियम, उसकी मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि 2016 के बाद उसने काफ़ी लो लाइफ जीना शुरू कर दी, क्योंकि जो सब कुछ उसने फेस किया है ना, और हम लोग जो बोलते हैं कि हमने रियलिटी में हमारी लाइफ काफ़ी हार्ड चल रही है, आई थिंक हमारी लाइफ उसकी लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। जिस लड़की ने इतना कुछ फेस करा है ना, तो मेरा बनता नहीं है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना, बट स्टिल आई होप वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए, अपना पास्ट भूल के प्रेजेंट में जिए। और ये मूवी तो सिर्फ तीन लड़कियों की कहानी है ना, बट रियलिटी में ये सब कुछ कई ज़्यादा लड़कियों के साथ हो चुका है। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वीडियो उन लड़कियों की है जो फ्रंट फुट पे आए हैं इस मूवी के आउट होने के बाद, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें लव जिहाद का। इस वीडियो का लिंक मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट कई ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो फ्रंट फुट पे आ ही नहीं सकती, उनके पास इतना करेज ही नहीं है। और द केरला स्टोरी तो सिर्फ एक निमिषा संबत को डिपिक्ट कर रहा है, ना जाने सोसाइटी में कितनी ज़्यादा निमिषा संबत है जिनके साथ ये हो चुका है और होने वाला है। आई होप ये किसी के साथ नहीं हो। और जो लोग नंबर के लिए बहस कर रहे हैं कि 3 है या 35,000, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर आपके घर के किसी मेंबर के साथ ये सब कुछ हुआ होता, आई होप ये सब कुछ ना हो आपके किसी भी मेंबर के साथ, बट अगर हुआ होता फिर भी क्या नंबर मैटर करता? बस इतना सा सवाल है आप लोगों से, एट लीस्ट नंबर मैटर नहीं करता। आई गेस हमें नंबर के ऊपर कभी जाना ही नहीं चाहिए, नंबर की डिस्कशन होनी ही नहीं चाहिए किसी बात पे, क्योंकि क्राइम चाहे एक के साथ हो या 100 के साथ, क्राइम क्राइम होता है एंड हमें उसे कंडेम करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज को लेकर। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पर हमें एक बात तो बिल्कुल सिंपली समझ लेनी चाहिए कि हर एक कम्युनिटी में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। हमें बुरे लोगों को हमेशा कंडेम करना चाहिए, नो डाउट, चाहे वो हमारे सगे संबंधी ही क्यों ना हो। और जो अच्छे लोग होते हैं ना उनका साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए हर बार। हालांकि हमारे यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं लोग, सच्चाई के साथ खड़ा ना होके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आई गेस उन लोगों की मानसिकता सोच लीजिए कितनी गलत होगी या फिर कितनी घटिया होगी जिन लोगों ने किसी की बहनों के साथ ऐसा करने का सोचा होगा। आई गेस अगर वो लोग किसी के साथ ये कर सकते हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है कि वो लोग आपके सगे, क्योंकि अतीक अहमद वाले केस से ही हम इतना समझ सकते हैं कि जो बंदा उन लोगों को सपोर्ट कर सकता है जो मदरसे में घुस के माइनर लड़कियों का रेप करते हैं, तो आई गेस आपको इस बात से इतना समझ लेना चाहिए कि जो कन्वर्जन अगर करवा रहा है या जो कन्वर्जन के लिए मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कल को आप लोगों के साथ भी गलत कर सकता है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए कि आप लोग इस मूवी को देखिए और अपनी बहनों को भेजिए ताकि वो लोग भी इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। और साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप इतना डिमांड कर सकते हैं कि निमिषा संबत को वापस लाने के लिए कुछ कीजिए। हम लोग ट्विटर पे ना जाने किस किस हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं, आई गेस ये हैशटैग भी ट्रेंड करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचे कि हमें निमिषा संबत वापस इंडिया में चाहिए। और अपने आसपास कन्वर्जन वगैरह अगर कभी भी देखें तो प्लीज़ उसे रोकने की ट्राई कीजिए,
चाहे कॉल कीजिए पुलिस ने या कहीं पर भी, बट उसे रोकने की ट्राई कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को बोलेंगे कि ये सच्चाई नहीं है साकेरला स्टोरी, जो लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली है ना, उस वीडियो को प्लीज उनके तक भेजिए कि अगर ये लड़कियां भी झूठ बोल रही हैं तो भाई साहब आपको सच कुछ नहीं लग सकता। आप अपनी लाइफ वर्चुअलिटी में जी रहे हैं, आप रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।